former Aam Aadmi Party leader Yogendra Yadav was detained by the Delhi police during a farmers' protest at Jantar Mantar last night. Police officials even dragged Yadav inside the police station, not allowing him to talk to the media persons. कल शाम को हमने संकल्प लिया था। Yadav, who was trying to march towards the Prime Minister's official 7RCR residence, has alleged that he was brutally assaulted. All of us, 96 in all, are now being arrested. But what's the crime, I wonder? Is standing peacefully with a hull an offence? We were not obstructing traffic, for willing to cooperate with any reasonable condition, Yadav said on Twitter. Why this brutal assault then? He added in a series of tweets. Meanwhile, expressing disappointment over the detention, former AAP leader Prashant Bhushan said that Yadav had not created any law and order problem but was staging a peaceful protest. बिल्कुल peaceful protesters को जो कि बिल्कुल peacefully वहाँ पर रात में हल लेकर खड़े हुए थे, उनको जबरदस्ती मार पीट कर घसीट कर यहाँ पर थाने में बंद कर लिया योगेंद्र यादव को भी. फिर जब हम आए डीसीपी से बात करने की भाई उनका कसूर क्या है, कौन से आपने क्राइम में उनको बंद किया हुआ है, तो फिर हमको जबरदस्ती धक्का मार के बाहर निकाल दिया. कहते हैं आप पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते. हमने बोला कि हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉज करने आए हैं कि आपने हमारे लोगों को जबरदस्ती वहां से उठा लिया मार पीट के. कहते हैं नहीं, आप पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आ सकते. यानी कि यहाँ पर आज पुलिस वालों को इतना भी समझ नहीं है कि भाई हिंदुस्तान में मौलिक अधिकार है हर नागरिक का प्रोटेस्ट करने का, हर नागरिक का अधिकार है पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट करने का, हर नागरिक का अधिकार है जगह आकर असेंबल करने का, लेकिन पुलिस को इसकी कोई समझ ही नहीं. वी विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सप्रेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट, एंड वी विल ऑल्सो कंटिन्यू टू रेज एंड हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स विच